मम्मा खाने में क्या है? रोटी है और सब्जी। किस चीज की सब्जी है? रोटी सब्जी है। और कुछ बनाया? कुछ अच्छा नहीं लगता रोटी सब्जी, कुछ और खाना है? आलू आलू चलेगा। और क्या है? पूरी है। हाँ पूरी भी दे आओ। मम्मा खाना दे दो प्लीज। क्या लाई हो? मम्मी पी ले। मम्मी खाना। चुप बेटा, खा लो ये। मामा मुझे कौन खिलाएगा? मुझे भी तो भूख आ रही है। आ गई मम्मा। कितने सारे बच्चे हैं मम्मा के? मम्मा के तीन दिन बच्चे हैं मम्मा के। हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यार ये जो हमारी सिद्धिदात्री है ना यार, इनको साड़ी क्या मिल गई है। तो ये तो अब हर टाइम नहाने के पहले, नहाने के बाद, हर कुछ उस साड़ी में ही होता है उनका काम। और यहाँ पर चाचू ने पिस्ता खिला रहे हैं, मज़े से इंजॉय कर रही हैं। सिक्सटी है, कितनी है? सिक्स के आगे, सिक्स के बाद। सो गाइस, आज रात को 10 बजे ना मैं, सौरभ और दोनों बच्चे और स्मोली, हम लोग गए थे रात को बाहर आइसक्रीम खाने के लिए। फिर वहीं से इन लोगों के ऑफिस गए, फिर वहां पर हम लोग बस बैठे हुए थे। सिद्धि की नौटंकी ने मुझे विवश कर दिया वीडियो बनाने के लिए। मैंने वीडियो शूट की थोड़ी सी, ज़्यादा तो नहीं लिया। फिर मैं आपसे मिल रही नेक्स्ट डे। और बस पूजा करते हैं आज एकादशी के दिन। मैं सत्यनारायण की कथा करती हूँ, तो पहले गुरुवार को करती थी बट गुरुवार को हो नहीं पा रहा था, फिर मैंने एकादशी के दिन करना स्टार्ट कर दिया। तो बस नीचे जाकर एकादशी की पोथी पढ़ूंगी, सत्यनारायण की कथा करूँगी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस, मुझे पूजा करने में करीब 20 मिनट तो लग ही जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले कथा करती हूँ मैं सत्यनारायण जी की, फिर साथ में एकादशी की पोथी करती हूँ, तो 20 मिनट हार्डली लगते ही लगते हैं। फिर उसके बाद बस स्मोली आ चुकी थी ऑलरेडी नीचे, फिर मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में सबसे पहले मैंने सोचा चलो चाय बना लेते हैं, क्योंकि ना चाय की इतनी ज़्यादा वो लग रही थी, तलब बोलना चाहिए कि जल्दी से चाय मिल जाए। तो मम्मी ने पी ली थी ऑलरेडी, बट मैंने फिर बनाई थी तो मैंने मम्मी को भी दे दी थी। फिर बस मैंने सोचा चलो सिद्धि के और पराठे, सिद्धि को पराठे दे देते हैं। तो सिके हुए रखे थे कुछ पराठे, तो सिद्धि को दिया सबसे पहले कि वो खा ले। तो उसके वो जो सीढ़ी है ना ऊपर जाने की, वो उसकी जगह है, तो वहाँ पर वो खाती है उसका मन हो तो। बस इतने में फिर मैं और स्मोली दोनों लग गए थे पराठे बनाने के लिए। तो स्मोली सेकती जा रही थी और मैं बेलती जा रही थी, तो बड़ा मज़ा आ रहा है साथ में किचन में काम करने में। बातें भी होती रहती हैं यहाँ वहाँ की, और साथ में जल्दी से काम भी हो जाते हैं झटपट। और मतलब स्मोली भी सोचती है, मतलब मुझे ऐसा लगता है वो बोर ना हो रही हो कि क्या करना है। थोड़ा सा भी संकोची तो है ही है, उसको लगता ही है कोई भी, जैसे मैंने बताया आपको नए ससुराल में पहली बार हम जब जाते हैं तो यार लगता ही है शुरू में, मतलब एक डेढ़ साल तो फैमिलियर होने में ही लग जाता है, वहाँ के तौर तरीके सीखने में ही लग जाता है। तो ये है कि मम्मी का नेचर भी ऐसा है कि यूँ नहीं है कि वो मतलब टाइम देती हैं, जैसे मुझे भी एडजस्ट होने के लिए टाइम दिया था, किरण को भी दिया था।
और ऑब्वियसली हम लोग स्मूली को भी दे रहे हैं। फिर अपने आप ही तौर तरीके सब कुछ आ जाता है अपने घर के बारे में जानना। फिर बस इतने में इन लोगों ने पराठा वगैरह खा लिया था, स्मूली को बैठाया हमने कि ब्रेकफास्ट करो तुम भी, हम लोग को तो करना ही नहीं है क्योंकि हमारा एकादशी का फास्ट है। इस बीच में जल्दी से मैंने सब्ज़ी फ्राई कर दी थी, आज चावल नहीं बन रहे हैं तो इस वजह से दाल भी नहीं बना रहे हैं क्योंकि एकादशी के दिन राइस तो बनते नहीं हैं। तो बस जल्दी से प्याज का भी वैसे नहीं बनाते हैं, बट आज हमने सोचा चलो बना लेते हैं, फिर गैस पोछ करके फलाहार बनाया था। अच्छा, आप में से ना काफ़ी लोग मुझे रेगुलर देखते हैं, उन्होंने मेरे गले पे नया मंगलसूत्र देखा, पूछ रहे थे कि आप कहाँ से लिए और इसका डिज़ाइन बताइए। तो ये आपको पता है अभी हमने अपनी देवर की शादी में काजल लगाया था ना, उसके नेक में मिला है। मेरा ऐसा है थोड़ा सा किरण का थोड़ा सा जो पेंडेंट स्टाइल है वो चेंज हुआ है, वरना बिल्कुल सेम है, तो हम दोनों को ये मंगलसूत्र उसी में ही मिला है। एवरीवन, अब बस आज हम लोग का फास्ट है, फलाहार करके फ्री हो गई हूँ। फिर मैं पता है इतनी नींद आ रही ना आज पूरे दिन भर कि मैं फिर सो गई थी, फिर अभी उठी हूँ। और मैंने सोचा कि आप में से कई लोग ना हॉल वीडियो का बोल रहे थे कि दीदी कुर्ता सेट्स पे हॉल लेकर आओ समर स्पेसिफिक, तो अभी मैंने समर के लिए कुछ कुर्ते ऑर्डर किए हैं, बट अभी मेरे पास केवल 2 ही रिसीव हुए हैं, 3-4 और आने बाकी हैं, तो बाद की वीडियोस में आपको दिखा दूंगी और मैं वो दिखाती हूँ। उसके अलावा मैंने कुछ एक्सेसरीज वगैरह मंगाई हैं, हैंडबैग्स मंगाए हैं वो दिखाती हूँ, और जो मैंने ज्वेलरी सेट पहना है शादी के फंक्शन में उसके लिए कई लोग पूछ रहे थे तो उसके बारे में बताऊँगी मैं। ओके, उसके पहले आप में से काफ़ी लोगों ने पूछा है साड़ी के बारे में, तो पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो गाइस, जो मैंने रात के फेरों के वक्त साड़ी पहनी है पर्पल कलर की, लैवेंडर कलर की, देखिए ये है वो साड़ी, इसका ये ऐसा वर्क स्टोन वर्क है और ऐसे फ्लोरल, मतलब इसमें पूरे में एम्ब्रॉयडरी है। तो कई लोगों ने बोला है कि कहाँ से लिए है साड़ी, बहुत प्यारी है, पहले जिससे ऑनलाइन साड़ी नहीं है, ये साड़ी करीब 5000 की पड़ी है मुझे और ये मैंने लिए सतना से। तो जो लोग सतना से शॉपिंग करते हैं सतना से हैं, मैं उनको बताऊँ, एक दुल्हनिया करके शॉप है वो, हम लोग ना उसके डिस्प्ले में काफ़ी अच्छी अच्छी लगी हुई थी साड़ी, तो हम लोग बस ऐसे घुस गए तो वहाँ से हमने 3-4 साड़ियाँ उठा ली थी, बहुत अच्छी साड़ियाँ थी, तो उसी में से ये एक साड़ी है। बहुत प्यारा वर्क है और पहनने में भी बहुत सिंपल सुबर लग रही थी, और कई लोगों को लगा कि मैंने ऑनलाइन लिया तो, बट लेकिन मैंने ये ऑफलाइन लिया, ये देखिए। एंड जो मैंने मंडप में हल्दी के वक्त येलो वाली साड़ी पहनी थी ना, साउथ इंडियन लुक जब लिया था मैंने, वो साड़ी भी मेरी सतना की ही है, मधुबन करके एक शॉप है वहाँ से, बट वो कम रेंज की है। येलो वाली साड़ी मैंने इसलिए कम रेंज की ली है, वो 2000 के अंदर की है। कम रेंज की इसलिए ली है मैंने क्योंकि ना येलो वाली साड़ी मोस्टली पूजा पाठ वैसे में यूज़ होती है, पार्टी वेयर टाइप्स आप उसको बहुत रेयरली पहनते हो येलो, तो वो भी सतना की ही है, तो अगर आप सतना के हैं या सतना से शॉपिंग करते हैं तो आप देख सकते हैं। ओके, चलिए अब मैं आपको फटाफट से दिखाती हूँ जो मैंने अभी ऑर्डर किया है। ये देखिए, सबसे पहला ये कुर्ता सेट मैं आपको दिखाती हूँ, ये है ब्रांड यूरीज से, दोनों ही कुर्ते सेट यूरीज से ही हैं, एंड कोशिश करिए प्योर कॉटन मंगाओ, ये समर में प्योर कॉटन बहुत अच्छा रहता है। तो ये देख सकते हैं, ये प्योर कॉटन फैब्रिक है, बिल्कुल सॉफ्ट वाला कॉटन, बहुत ही अच्छा, एंड ये कलर भी बहुत सोबर सा है। स्लीव्स देखिए 3x4 मिल जाएंगे और ऐसे लेस मिल जाएगी इसमें, ये देख सकते हैं ना कैसा है, और स्ट्रेट कट है और नीचे में भी आपको ऐसा पूरे में लेस मिल जाएगी, फ्लोरल प्रिंट के साथ आ जाता है। इसके साथ आपको कॉटन में ही मिल जाता है ये देखिए पैंट, एंड पैंट में भी बॉटम में ऐसा लेस मिल जाती है, और दुपट्टा है, दुपट्टा में चारों तरफ तो लेस मिल जाएगी बट ऐसे पेंट हो रखा है, ये देखिए आप पेंटिंग हो रखी है ऐसे, तो मैं आपको वेयर करके दिखाती हूँ कैसा लग रहा है अभी। एंड ये मैंने एम साइज़ का मंगाया क्योंकि मुझे एम साइज ही आता है, थोड़ा लूज में कुर्ता सेट पहनती हूँ। एंड दूसरा कुर्ता सेट आप देख सकते हैं इस कलर का है, ये भी सेम ब्रांड यूरीज से ही है, इसे कुर्ता मैंने पहले ही पहन रखे हैं, बहुत अच्छा, बहुत दिन तक की चले थे। गाइज, ये सारे प्रोडक्ट्स ना अमेजोन से, और अमेजोन पर ना कल से मेगा फैशन डे सेल लाइव हो रही है जिसमें आपको टॉप ब्रांड्स पे करीब करीब 70% का ऑफ मिलेगा, तो आप जाकर सारे प्रोडक्ट की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए मैंने, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में आपको सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। एनीवे, तो बात कर रहे थे हम इस कुर्ते की, तो ये भी प्योर कॉटन है और ये पिस्ता कलर में है, साथ में पिंक कॉम्बिनेशन है, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही सिंपल सोबर का सा है ये कुर्ता। एंड ये पैंट आप देखिए, इसके साथ ही पैंट मिल जाता है, वो भी ऐसे प्रिंट में है, और इसका जो दुपट्टा है वो भी प्योर कॉटन में ही है। तो ये मैं कुर्ते सच आपको पहन के दिखा दूंगी, साइड में तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने ये एक पर्स मंगाया था पार्टी वेयर, ये देखिए, मुझे किसी को गिफ्ट करना है बट ये बहुत अच्छा लगा मुझे, साड़ी के साथ लोगों काफ़ी अच्छा लगेगा, और अंदर इसमें आपको ये चेन मिल जाएगी, और अंदर इनर साइड और अंदर भी आपको एक अलग से एक पॉकेट मिल जाएगा जिसमें जिप लगी हुई है,
तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। ये है ब्रांड अडीसा से, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं, इसकी भी लिंक मैं मेंशन कर दूंगी। इसमें आपको ना बहुत सारे कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे। ओके, देन इसके बाद सब लोगों ने मुझसे पूछा था हल्दी वाले जिनकी ज्वेलरी, तो ये देख सकते हैं ये वाली ज्वेलरी मैंने पहनी थी। छोटा वाला जो नेकलेस था वो मेरा गोल्ड का था, वो भी मोती वाला ही था, बट ये वाला आर्टिफिशियल ही मैंने पहना था। एंड इसके साथ जो ईयरिंग्स आए हुए थे वो ये हैं, ये देखिए। एंड इसको मैंने ये चेन के साथ पहना था, ये देखिए बालों में ऐसे सेट करके। तो मैं कोशिश करूंगी इसकी चेन के भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूं, तो आप ये सारे प्रोडक्ट्स को चेक कर लीजिए। ऐसे लग रहे हैं आपको व्लॉग्स मेरी नई देवरानी के साथ, और वो भी आपको दिख रही है मेरे साथ काम करते हुए किचन में, और हमें बहुत मज़ा आ रहा है साथ में काम करते हुए। तो चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। अपने कॉमेंट ज़रूर करिएगा इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।